जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो लुसेंट फिजिक्स की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उसके आज हम चैप्टर नंबर 12 इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो भाई आप लोग अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और भाई चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करता हूँ। आपका आज इलास्टिसिटी का पार्ट फर्स्ट होगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है, मैं भी बुक ओपन कर लूँ एक बार। हाँ ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि चार तार दिए हुए हैं, समान बल लगाने पर, जब तार दिए हुए हैं एक जैसे, एक मिनट, एक ही पदार्थ के तार है तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी क्या होगा, सभी का सेम होगा, और फोर्स भी क्या किया, सब पे सेम लगाया, तो ये दो तो क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। अब कहता है कि भाई लेंथ में इंक्रीमेंट किस पे होगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वाई इक्वल्स टू एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो डेल्टा एल को पूछा है इसने, तो डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ एल वाई पाई आर स्क्वायर। ये दोनों कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एल अपॉन आर स्क्वायर के, यानी कि जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी उसकी इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा, और जिसकी रेडियस कम होगी, और कम का स्क्वायर क्या होगा, और ज़्यादा कम होगा, समझना मेरी बात। ये तो डायरेक्टली है, और ये किसके स्क्वायर के हैं, तो जिसकी रेडियस कम होगी उसका स्क्वायर क्या होगा, और भी ज़्यादा कम होगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी। तो अपना क्वेश्चन देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन है कि सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm का, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.25 mm, यानी कि रेडियस ये सबसे कम है फर्स्ट ऑप्शन में हमारी। पहले ऑप्शन में क्या है, रेडियस सबसे कम है, और इसका स्क्वायर हो गया क्या हो जाएगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया क्या होगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा, तो जिसका ये वाला पोर्शन सबसे कम होगा उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन क्या होगा हमारा, फर्स्ट का ए। ठीक है भाई, अब चार क्वेश्चनों को सोल्व करने बैठेंगे तो नहीं होगा, मैं आपको बहुत ही छोटे से और ईजी मेथड से क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक धातु के तार, क्या कहा है, एक धातु के तार की लंबाई एल और रेडियस आर है, लेंथ और रेडियस दे दी, दूसरे सिरे पर एफ बल लगाकर खींचने पर क्या होता है, लंबाई में वृद्धि एल हो जाती है, यानी कि वाई इक्वल्स टू क्या होगा, एफ पाई आर स्क्वायर, लेंथ एल और इंक्रीमेंट हो गया लंबाई में स्मॉल एल का। ये कहता है इसी पदार्थ के दूसरे तार पर, पदार्थ यही है तो क्या रहेगा, वाई सेम रहेगा। अब दूसरे तार पर क्या किया, फोर्स लगा दिया, कितने का भाई, 2F का फोर्स लगा दिया, 2F का, ये कह रहा है बल लगा दिया दो गुना, और भाई लंबाई भी दो गुना हो गई, तो और रेडियस भी क्या कर दिया, रेडियस भी दो गुना कर दिया, तो ये पूछ रहा है इसमें इंक्रीमेंट कितना होगा लेंथ में, ये पूछता है। तो ये मान लिया हमने डेल्टा एल इक्वल है, डिवाइड कर दिया, कट गया, एफ पाई एल आर स्क्वायर एल एल पाई, और ये आर स्क्वायर कट जाएगा, ये आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एल वन, इधर तो हो गया वन इक्वल्स टू एल, किसमें है, वन अपॉन में है, यहाँ बचेगा हमारा 2 2 4, और 4 से ये क्या हो गया, 4 कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारा 1 अपॉन डेल्टा एल। तो यहाँ से डेल्टा एल जो हमारा आता है वो किसके इक्वल आएगा, एल के इक्वल आएगा, डेल्टा एल हमारा। तो ऑप्शन क्या आ गया भाई, ऑप्शन आ गया बी, ऑप्शन आ गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3,
10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर का एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, और लेंथ में इंक्रीमेंट कितना है डेल्टा एल जो है हमारा वह 0.1% का, और एफ कितना लगा दिया जाए 1000 न्यूटन का। तो वाई पूछता है क्या होगा भाई, तो वाई पूछता है वाई इक्वल्स टू क्या होता है एफ अपॉन ए एल अपॉन डेल्टा एल। तो इसे हम लिख सकते हैं भाई 0.1/100, यानी कि ओरिजिनल लेंथ क्या है हमारी एक मिनट परसेंटेज में है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%। तो कंपेयर करने पर क्या आएगा, कंपेयर करने पर आएगा आपका डेल्टा एल आ गया 0.1 और एल आ गया 100। देखिए भाई कंपेयर करने पे क्या आ गया, डेल्टा एल आ गया हमारा 0.1, परसेंटेज को अगर हम हटाएं तो ये ही तो होगा, कंपेयर करें तो 100 से 100 कट गया, डेल्टा एल आ गया 0.1, एल आ गया 100। वैल्यू रखते हैं बस सारी हमारी, एफ कितना है 1000 है, ए है 10 की पावर माइनस 6, एल है हमारा 100 और डेल्टा एल है 0.1। कैलकुलेशन करने पर आपका कितना आ जाएगा 10 की पावर 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन आ गया आपका थर्ड का ए, थर्ड का क्या आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, देखें भाई क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, एक तार जो है 400 जी न्यूटन से टूट जाता है, ठीक है 400 किलोग्राम भार दिया है, केजी वेट दिया है, यानी कि 400 जी न्यूटन हो गया, लेकिन उसी पदार्थ के दो गुने मोटे तार को, यानी कि रेडियस पहले आर थी तो कितनी कर दी, दो गुनी कर दी, 2R कर दी। तो ये कह रहा है कि तार का यंग पर सॉरी आवश्यक फोर्स कितना होगा एफ डैश, ये पूछता है। अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है ये वाला, इसे ध्यान देना, इसे मैं लिखता हूँ वाई इक्वल्स टू एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर एल अपॉन डेल्टा एल। अब यहाँ पर आप देखो किसी चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वाई भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि तार वही है, लेंथ भी वही है और डेल्टा एल जो उसमें चेंज होगा वो भी वही है। केवल यहाँ क्या निकल के आता है निष्कर्ष कि एफ इनवर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा आर स्क्वायर के, यानी कि एफ वन अपॉन एफ टू इक्वल्स टू आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर, और बस वैल्यू रख देते हैं। देखिए एफ कितना है 400 जी, एफ टू पूछा है, आर वन कितना है आर है और आर टू 2R, तो आर स्क्वायर और 2R का स्क्वायर होके हो गया 4R स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया तो एफ टू आ गया 1600 जी न्यूटन या 1600 kg वेट किलोग्राम भार, कितना आ गया भाई 1600 किलोग्राम भार। तो आपका ऑप्शन कितना आ जाता है, फोर्थ का ऑप्शन आ जाता है आपका बी, क्योंकि केवल फोर्स और रेडियस में रिलेशन दिया है, मोटाई बढ़ा दी यानी कि रेडियस बढ़ा दी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कहता है कि भाई एल लंबाई और ए एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया का एक तार है जिसका कोफिशियंट क्या है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक है वाई, तो तार को खींचकर लंबाई में वृद्धि कितनी कर दी एक्स कर दी, तार को खींचकर लंबाई में वृद्धि क्या कर दी एक्स कर दी। तो वर्क डन पूछता है क्या होगा, देखो वर्क डन क्या होगा भाई, वर्क डन होता है 1/2 इंटू वाई इंटू स्क्वायर ऑफ स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/2 यंग प्रत्यास्थ गुणांक वाई, विकृति क्या होगी एक्स हो गई एल लेंथ पे का होल स्क्वायर और वॉल्यूम हो गया ए इंटू एल। तो देखो भाई डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2 वाई एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू ए एल, एल से एल कट गया तो डब्ल्यू इक्वल्स टू आ गया 1/2 वाई एक्स स्क्वायर ए अपॉन एल। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ गया आपका डी, 5 का ऑप्शन क्या आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है,
कि एक ही पदार्थ तथा एक ही मोटाई के दो तारों की लंबाई, पदार्थ भी एक है तो वाई सेम, मोटाई एक है तो आर भी कांस्टेंट, ठीक है। लेंथ का रेशियो दे दिया एल वन रेशियो एल टू, कितना दे दिया 1:2, तो समान बल से खींचे तो क्या हो गया, फोर्स भी कांस्टेंट हो गया, तीनों चीज़ क्या होगी कांस्टेंट हो गई। तो विकृतियों का अनुपात पूछा है, विकृति यानी कि डेल्टा एल वन अपॉन एल वन रेशियो डेल्टा एल टू अपॉन एल टू, ये पूछा है। तो भाई एक बात देखो आप लोग, बिल्कुल क्या होगा लंबाई, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गया, विकृतियों का अनुपात। तो देखो भाई हमारे पास फॉर्मूला होता है वाई इक्वल्स टू एफ अपॉन ए और ये एल अपॉन डेल्टा एल होता है, तो इसे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ डेल्टा एल अपॉन एल कर दूँ, डेल्टा एल अपॉन एल, इसे पूरे को इधर ले गया तो डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल्स टू किसके हो गया हमारा एफ अपॉन ए वाई, और ये सारी की सारी चीज़ें क्या है कांस्टेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एल वन अपॉन एल वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल्टा एल टू अपॉन एल टू। तो यहाँ से विकृतियों का अनुपात क्या आ जाएगा 1:1, विकृतियों का अनुपात क्या आ जाएगा भाई 1:1, तो आपका आंसर आ जाता है 6 का हमारा सी, 6 का क्या आंसर आ गया सी। बस ये गलती होती है इसमें क्योंकि इसमें स्ट्रेन का रेशियो पूछा विकृतियों का अनुपात, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेम क्वेश्चन है, दो तार है ए और बी, क्या कहा है ए और बी दो तार है, दोनों में क्या है लेंथ का रेशियो दे दिया 1:2, डायमीटर का यानी कि रेडियस का रेशियो ले लो, डायमीटर और रेडियस का रेशियो दिया है इसने 2:1, समान बल से खींचे गए हैं यानी कि एफ कांस्टेंट हो गया, समान तार है वाई कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात निकालना है, डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू निकालना है। तो देखिए भाई जब वाई कांस्टेंट है और एफ कांस्टेंट है, एक हमारा वाई का जो फॉर्मूला है बस ये याद रखो पाई आर स्क्वायर और ये एल अपॉन डेल्टा एल, ठीक। वाई कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, डेल्टा एल हमें निकालना है, तो डेल्टा एल इधर चला गया, ये क्या हो गया हमारा एल अपॉन, ये भी कांस्टेंट है, डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई, ये इधर चला गया, डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल हो गया हमारा एल अपॉन आर स्क्वायर के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू इक्वल्स टू आ जाएगा एल वन अपॉन एल टू इंटू आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो एल वन रेशो एल टू 1/2 इंटू आर टू 1 है 1 का स्क्वायर 1 और आर टू 2 है 2 का स्क्वायर 4, तो आपका रेशियो आ गया 1:8, क्या आ गया 1:8, और आपका आंसर आ जाता है भाई 7 का भी सी, क्या आ जाता है 7 का भी सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि दो तार एक्स वाई एक ही पदार्थ के बने हुए, एक्स वाई एक ही पदार्थ के बने हुए यानी कि वाई कांस्टेंट हो गया, वाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किंतु एक्स की लंबाई ऑफ एक्स लेंथ ऑफ एक्स, ठीक है, और डायमीटर ऑफ वाई सॉरी लंबाई और डायमीटर यानी कि रेडियस ऑफ एक्स और लेंथ ऑफ एक्स क्या है, वाई की लंबाई और व्यास के दो गुने हैं, वाई की लंबाई का दो गुना है एक्स और रेडियस भी क्या है दो गुनी है वाई के हिसाब से। तो कहता है तब समान बल के अधीन खींचे जाते हैं, फोर्स भी क्या है सेम है कांस्टेंट है, तो कहता है कि लंबाई में वृद्धि, तब तार वाई की लंबाई में वृद्धि, तार एक्स की लंबाई में वृद्धि, क्वेश्चन में क्या कहा है तब तार वाई की लंबाई में वृद्धि, तार एक्स की लंबाई में वृद्धि का कितने गुना होगी ये पूछिए। तो देखो भाई
सेम चीज़ आ गई, डेल्टा एल एक्स अपॉन डेल्टा एल वाई इक्वल्स टू, पहले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे हम, एल एक्स अपॉन एल वाई इंटू आर वाई का स्क्वायर अपॉन आर एक्स का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करते हैं हम, क्या हो गया एल एक्स तो हमारा क्या है टू एल वाई है, एल वाई एज इट इज़ आर वाई ही है, और आर एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी टू का स्क्वायर फोर आर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, एल वाई से एल वाई कट गया, दो एकम दो से कट गया दो बार, तो क्या आ गया डेल्टा एल एक्स अपॉन डेल्टा वाई आ गया भाई हमारा, डेल्टा एल वाई आ गया हमारा वन रेशो टू। क्या पूछा है लंबाई में वाई की वृद्धि, वाई की लंबाई में वृद्धि एक्स की कितने गुना है, गुना कर दो तो डेल्टा एल वाई कितना आ गया टू डेल्टा एल एक्स, तो साफ साफ दिखाई दे रहा कितने गुना है एक्स की दो गुना है, वाई की लंबाई में वृद्धि कितने गुना है भाई दो गुना है, तो आपका एट का कितना आ गया आंसर हमारा, एट्थ का आ गया सी दो गुना, एट्थ का क्या आ गया मेरे भाई सी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 2 मीटर लंबे हम 10 की घात माइनस 6 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया, एल 2 मीटर है क्रॉस सेक्शन एरिया है 10 की घात माइनस 6 मीटर स्क्वायर, तार में कितनी इंक्रीमेंट होता है डेल्टा एल होता है 1 एमएम का, यानी कि मीटर में बदलू इसे 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, ठीक है, तो वर्क की हमें कैलकुलेशन करनी है, क्या करना है वर्क की गणना करनी है, वाई इक्वल्स टू दिया है 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर माइनस 2, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा वाई के टर्म में 1 बाई टू वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल, 1 बाई टू वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल, तो फॉर्मूला लगाते हैं हम क्या आ जाएगा 1 बाई टू वाई है 2 इंटू 10 टू द पावर 11, ए हमारा 10 की पावर माइनस 6, डेल्टा एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा डेल्टा एल का स्क्वायर हो गया हमारा ये 10 की पावर माइनस 3 यानी कि 10 की पावर माइनस 6 हो गया स्क्वायर होके, और अपॉन में कितना एल है 2 हमारा, 2 से 2 कट गया W इक्वल्स टू ये कितनी घात हो गई 10 की घात माइनस 12 और एक 11, तो कितनी बची 10 की घात माइनस 1 बटा 2, 10 की घात माइनस 1 बटा 2 या 1 बटा 20, कितना आ गया भाई 1 बटा 20, तो आप लोग एक मिनट चेक कर लेते हैं, एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले सारी, क्योंकि आंसर 9th का इसने डी दिया हुआ है और डी है 50 जूल, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या होगा, एल इक्वल्स टू 2 मीटर दिया है, 10 की पावर माइनस 6 दिया है, डेल्टा इक्वल्स टू 1 एमएम दिया है, 1 एमएम को हमने मीटर में चेंज किया 10 की घात माइनस 3 मीटर हो गया, और y दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, फॉर्मूला होता है वर्क डन निकालना है, वर्क डन क्या होगा इंक्रीमेंट कितनी कार्य की गणना करनी है 1 बाई टू वाई ए डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन एल ओरिजिनल लेंथ, तो भाई 1 बाई टू वाई है हमारा कितना, वाई है हमारा 2 गुणा 10 की घात 11 रख दिया, ए कितना है 10 की घात माइनस 6 ये है 10 की घात माइनस 6 दो से दो कट गया 1 बाई टू और ये 11 पावर और ये माइनस 12 25 माइनस की 1, तो इसे डिवाइड करने पर तो भाई 0.05 जूल आएगा, और आपका आंसर आएगा 9th का ए, आपका आंसर कितना आएगा 9th का ए आएगा, इसमें डी दिया हुआ है वो गलत है, इसमें डी दिया हुआ है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह सारी चीज़ हमारे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10, किसी तार से 10 किलोग्राम की वस्तु लटकी हुई है, यदि तार की लंबाई
2 मीटर, एम कितना है भाई 10 केजी का है, लेंथ है 2 मीटर, और ये कहता है रेडियस कितनी है, आर है 4 mm, मीटर में बदले हम इसे, 4 × 10⁻³ - 3 मीटर हो गया। अब ये कहता है कि प्रतिबल पी निकालना है हमें, क्या होगा, पी इक्वल्स टू होता है एफ अपोन ए, पी इक्वल्स टू क्या होता है एफ अपोन ए, एफ किसके इक्वल होगा हमारा एम जी के, और ए क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, तो पी इक्वल्स टू एम है 10, जी की वैल्यू 10 और पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर हो गया 4×16 × 10⁻⁶। ठीक है भाई, तो जब इसके आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10 का हमारा 1.95 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा भाई 10 का बी। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दो तार जो समान लंबाई के तथा एक ही पदार्थ से बने हैं, लंबाई क्या है L1 इक्वल्स टू L2 क्या है सेम है, यानी कि लंबाई कांस्टेंट है, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं तो Y भी कांस्टेंट रहेगा, और एक ही बल से खींचे जाते हैं तो F भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये कहता है उनकी रेडियस का जो रेशियो दिया R1:R2 दिया है 2:1, तो लंबाई में वृद्धि का निकालना है, डेल्टा L1/ΔL2 निकालना है। तो जब सारी चीज़ क्या होगा कांस्टेंट होगी, तो डेल्टा L जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के स्क्वायर के, यानी कि हम कह सकते हैं भाई डेल्टा L1/ΔL2, ये चीज़ें देखो मैंने आपको पहले समझा दी इसलिए अब डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ मैंने, डेल्टा L1/ΔL2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R2² / R1² R2 हमारा क्या है 1 का स्क्वायर 1 और R1 है 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो आपका रेशियो आ गया 1:4, ऑप्शन आ गया भाई 11 का बी, ऑप्शन क्या आ गया 11 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हम, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भाई दो तार जिनकी लंबाई और एरिया क्या है समान है, लेंथ कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, सेम है, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूले में कांस्टेंट लेंगे हम इन्हें, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन भिन्न भिन्न पदार्थों के बने हुए, यानी कि Y1 और Y2 क्या है अलग अलग है, और उनका रेशियो दिया हुआ है नीचे 1:2, उनका रेशियो दिया है 1:2। तो ये कहता है कि भाई समान बल से खींचा जाता है तो क्या हो गया फोर्स भी कांस्टेंट हो गया, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लंबाई में वृद्धि का अनुपात निकालना है डेल्टा L1/ΔL2 निकालना है हमें। तो भाई इस कंडीशन में वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके डेल्टा एल के, तो भाई डेल्टा L1/ΔL2 क्या होगा Y2/Y1 के होगा, और Y2/Y1 यानी कि 2:1, Y2/Y1 इक्वल्स टू क्या आ गया 2:1, और आपका आंसर आ जाता है भाई 12 का ए, कितना आ जाता है 12 का ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कोई 10 न्यूटन का बल लगाने से, एफ दे दिया 10 न्यूटन लगाने से तार की लंबाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, डेल्टा एल हो जाता है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻²। इसके बाद कहता है उस बल का क्या मान होगा जो लंबाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें, ये F1 है, F2 पूछा है, जो लंबाई को क्या कर दे डेल्टा L2 कितना कर दे 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2×10⁻²। अब देखो भाई ये निकालना है, बाकी सारी चीज़ें तो क्या होगी कांस्टेंट होगी, और जब सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा एल के। अब एक बार ये समझ लो कैसे होगा, वाई इक्वल्स टू होता है हमारा F/A L/ΔL, ये कांस्टेंट ये इधर ले आई, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया हमारा डेल्टा एल के हो गया, तो
एफ वन अपॉन एफ टू इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू। एफ वन है 10 न्यूटन, एफ टू हमें निकालना है, डेल्टा एल वन है 10 की पावर -2 और डेल्टा एल टू क्या है 2 × 10 की पावर -2, कैंसिल हो गया। तो एफ टू कितने की ज़रूरत पड़ी भाई, 20 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत पड़ी, क्या करने के लिए, दोगुनी वृद्धि करने के लिए। तो 13 का आपका आ गया बी, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आ गया बी। तो सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाता है, क्यों देखने में तो बड़े लंबे चौड़े न्यूमेरिकल लगते हैं बट आसानी से हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की पार्ट फर्स्ट का हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है भाई 6 लीटर जल है, वॉल्यूम दे दिया 6 लीटर, लीटर को अगर मीटर क्यूब में करें तो कितना होगा 6000 m³ होगा वॉल्यूम। अब ये कहता है कि आयतन में कितने की कमी होगी, डेल्टा वी पूछ रहा है कितना होगा, यदि इसे कितने पर प्रेशर 10 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर रखे, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर को ऐसा यूनिट में करते हैं, ये हो जाता है हमारा 1.013 × 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, ये हो गया प्रेशर। अब इसने के दिया है और के क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है जिसे बी भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या दी है बी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और ये दिया है इसने 2 × 10⁻¹⁰ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है। डेल्टा वी निकालना है, अब हमें पता है के या बी इक्वल्स टू क्या होता है, पी अपॉन डेल्टा वी ये इंटू वी। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी इधर आ गया हमारा, ये हो गया पी वी अपॉन के। पी है हमारा 10 × 1.013 × 10⁶ बटे बी की, के की वैल्यू 2 × 10⁻¹⁰ यूनिट सेम है दोनों की, तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पोन में आ गए दोनों, और वी कितना है 6000। तो भाई जब आप लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा डेल्टा वी इक्वल्स टू हमारा 3.039। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा। क्लियर है बात, और आंसर आ गया आपका बी 14 का। तो इस तरह हमारे जो है आज हमने पार्ट फर्स्ट के जो 14 न्यूमेरिकल थे वे पूरे कर लिए, अब इतने ही न्यूमेरिकल बचते हैं, 14 न्यूमेरिकल बचते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो बेटा आप सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि लूसेंट का फुल लूसेंट का सॉल्यूशन चल रहा है, तो आप लोग आइए और एंजॉय कीजिए क्लास का, ठीक है। चलो तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच और जय हिंद सभी को।